गीडा थाने की पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाले सॉल्वर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान पंकज कुमार पुत्र रघुनंदन मिस्त्री निवासी ग्राम भट्टा थाना काशीचक जिला नवादा बिहार, दूसरा दीपचंद पुत्र रामविलास निवासी शिशवा उर्फ चनकापुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, तीसरा इंद्रजीत पासवान पुत्र रामविलास पासवान निवासी कुशली थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर, चौथा संदीप पासवान पुत्र रमाकांत निवासी इब्राहिमपुर थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक फर्जी कूटरचित आधार कार्ड, फर्जी कूटरचित प्रवेश पत्र जिस पर नाम किसी और का है, 9 प्रवेश पत्र एवं मिक्सिंग की गई फोटो व आधार कार्ड की छाया प्रति तथा फर्जी हस्ताक्षर की छाया प्रति, मोबाइल स्क्रीनशॉट की छाया प्रति, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 70 रुपये नकद बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि रेलवे ग्रुप जी की परीक्षा में एक सॉल्वर गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें पंकज कुमार पुत्र रघुनंदन मिस्त्री द्वारा फर्जी कूटरचित आधार कार्ड व फर्जी कूटरचित प्रवेश पत्र मिक्सिंग कर फोटो बदल कर दीपचंद पुत्र रामविलास के स्थान पर सॉल्वर के रूप में परीक्षा दे रहा था, जिनको गिरफ्तार कर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में गीडा थाने की अतिरिक्त निरीक्षक जगमोहन राय, नौसन चौकी प्रभारी अनूप सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष कुमार यादव, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राम इकबाल राव, अरुण कुमार खरवार, मोशीन खान, इंद्रेश कुमार वर्मा, कन्यापति तिवारी, रवि चौधरी, शैलेंद्र यादव, रवि शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये कल दिनांक 13/9/2022 को जनपद की स्वाट टीम को एक सफलता मिली। इन्होंने नौसड़ में हो रहे स्वास्थ्य ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पे जो ऑनलाइन सॉल्वर्स के गिरोह का भंडाफोड़ किया, उसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अभी फरार है। एक जो पंकज नाम का व्यक्ति था, वो दीपचंद नामक अभ्यर्थी के स्थान पर बैठ कर परीक्षा दे रहा था। इसके अलावा 2 अन्य उसके सहयोगी थे, एक श्रीराम नामक व्यक्ति जो कि एक लोको पायलट है आगरा का और 10 लाख रुपए लेता है प्रति कैंडिडेट से, उसकी तलाश जारी है। और जो सॉल्वर है जो परीक्षा देता है उसको 1.5 लाख रुपए मिलता है। इस तरह से ये लोग विभिन्न लोगों को फंसा करके और उनसे पैसा लेते हैं और रेलवे या इस तरह की परीक्षाओं में वो अपने सॉल्वर्स बैठाते हैं। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और एक अभी उसमें जो उसका मुख्य कार्यकर्ता है वो अभी फरार है, जो कि आगरा का रहने वाला है। ये राम जी के मिलने पर, जो इसका मुख्य कार्यकर्ता है उसके मिलने पर क्लियर हो जाएगा। वैसे जो सॉल्वर है वो एक आध जगह और परीक्षा में बैठा है। ये मोबाइल के जरिए और जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके जो दौड़ते हैं या एक जगह कहीं इकट्ठा होकर तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, उनको टारगेट करते हैं
और उनके पास पहुंच के और फिर ये बताते हैं कि हम आपका इतने में सिलेक्शन करा देंगे, और फिर ये अपने साल्वर्स का इंतज़ाम करते हैं और उसको बैठाते हैं। इसके गैंग लीडर इसका श्री राम है, जो कि एक लोको पायलट है रेलवे में और आगरा में पोस्टेड है। हाँ, गोरखपुर में एक लड़का इसका शाहपुर में है, उसके माध्यम से ये इन लोगों के संपर्क में आए थे। साल्वर को 1.5 लाख रुपए मिलता है, और जो नेटवर्किंग कराता है या जो बीच में उनकी सदस्यता बढ़ाता है, जो इस तरह से उनको कस्टमर देता है, उसको 20,000 रुपये देता है। हाँ, इसमें 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, 5 मोबाइल बरामद हुए हैं, पैन कार्ड बरामद हुए हैं, और एडिट किया हुआ आधार कार्ड बरामद हुआ है, प्रवेश पत्र बहुत कई अभ्यर्थियों के बरामद हुए हैं। तो ये फ़ोटो को मिक्स कर देते हैं, जो बैठ रहा है उसकी और जिसको बैठना है उसकी, दोनों की फ़ोटो को मिक्स करके लगा देते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि उनमें से दोनों की ही फ़ोटो है। वो ये स्वाट प्रभारी को अपने सर्विलांस के माध्यम से जानकारी हुई थी।